हेलो दोस्तों, स्वागत करता हूँ जनाब, जिसका नाम है डेली यूज प्रोडक्ट रिव्यू। दोस्तों जो आज की वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है दोस्तों जैसे कि आपने देखा होगा कि हर एक उम्र में, हर एक छोटे बच्चा हो या उससे बड़ा हो, या फिर आप 18 ईयर के हो या उससे भी ऊपर की एज के हो, हर किसी के एयरफोन हो रहे हैं। छोटी उम्र में हर किसी व्यक्ति के, हर किसी लड़के के, हर किसी बच्चे के एयरफोन हो रहे हैं। आपके भी एयरफोन हो रहे हैं, क्योंकि मैंने भी बहुत व्यक्ति सुना है, बहुत अपने दोस्तों से सुना है कि हेयर फॉल हो रहे हैं, मेरे हेयर फॉल है, क्या करूं, मेरे भी हेयर फॉल हो रहे हैं, मैंने दवाई भी खा ली, शैम्पू भी लगा लिया, लेकिन हेयर फॉल कंट्रोल नहीं हो रहे। तो उसी के लिए मैं एक वीडियो लेके आया हूं, और मैं आपको एक ऐसा टिप्स देने वाला हूं जिससे आपके 100%, मैं गारंटी लेता हूं 100% आपके हेयर फॉल होने रुक जाएंगे, 100% गारंटी लेता हूं। और भी कोई वीडियो में आपको कोई भी गारंटी लेकर नहीं बताया कि हाँ आपके ये चीज़ आप लगाइए और आपके 100% हेयर फॉल हो जाएंगे, यानी कि आपका बालों का टूटना बिल्कुल ही रुक जाएगा। लेकिन मैं गारंटी लेता हूँ दोस्तों, जैसे मैं कहता हूँ, अगर आपने ऐसे उपाय किया तो बिल्कुल आपके हेयर फॉल रुक जाएंगे दोस्तों जैसा कि आपने देखा होगा, आपने बहुत सारे प्रोडक्ट इस्तेमाल किए होंगे, आपने बहुत सारे शैम्पू इस्तेमाल किए, बहुत सारे ऑयल इस्तेमाल किए होंगे, वो हेयर ऑयल आता है, मामा अर्थ का हेयर ऑयल आता है, और बहुत सारे हेयर ऑयल आते हैं, जोक का तेल आता है, पता नहीं कौन कौन से तेल, कौन कौन सा, अच्छी तरह मालिश करो, ऐसे करो, गर्म करके तेल लगाओ। आपने बहुत सारे उपाय किए होंगे, आपने बहुत सारे शैम्पू किए होंगे, हेड एंड शोल्डर, वो मामा अर्थ, पता नहीं कौन कौन से शैम्पू इस्तेमाल किया, लेकिन जब भी आपके हेयर फॉल हो रहे हैं, अभी भी नहीं रुक रहे दोस्तों, आपको केवल एक टेक्निक, एक तरीका, कोई भी, आपको कोई भी चीज़ खरीदने की जरूरत नहीं है, यानी आपको मार्केट से कोई कुछ खरीदना नहीं है, कोई कुछ पेस्ट नहीं बनाना है, कोई कुछ प्रोटीन नहीं बनाना है, या मैं आपको कोई ऐसा उपाय भी नहीं बताने वाला कि आप ये दो मिला, ये तीन चीज़ मिलाए और आप सब मिला के एक पेस्ट बना ले और वो लगा ले होने से पहले, ऐसा कोई उपाय नहीं बताऊँगा। केवल आपको अपने पानी, जो आप अपने घर में जो पानी को यूज करें, उसको उसके ध्यान रखना है कि आप कौन सा पानी यूज करें। दोस्तों पानी का इस्तेमाल करने से ही आपके हेयर फॉल होंगे। अगर आप दिल्ली, मुंबई, NCR, कोई भी NCR एरिया में रह रहे हो, हरिद्वार में रह रहे हो, इनका पानी बहुत बेकार है, जो कि आपके हेयर फॉल बिल्कुल, इन्हीं की वजह से आपके हेयर फॉल हो रहे हैं। अगर आप टैंक के पानी से नहा रहे हो या नॉर्मल जो पानी आता है उसी से आप नहा रहे हो, तो आपके हेयर फॉल होंगे, क्योंकि जो दिल्ली NCR का पानी है वो बहुत ही बेकार है, बहुत जहरीला पानी है, बहुत ख़राब पानी है, क्योंकि आपने देखा होगा कि हर कोई व्यक्ति पानी पीने के लिए नॉर्मल पानी ना पी के बाहर से ही पानी लेता है, यानी कि बाहर से पानी खरीदता है, या RO, किसी ने RO लगवाया, किसी ने पानी बाहर से लिया, ऐसे 20 रुपये की बोतल आती है उससे पानी लेते हैं। हम अपने शरीर को अंदर से तो हम ठीक कर रहे हैं, पानी ले रहे हैं, हम शुद्ध पानी ले रहे हैं, स्वच्छ पानी ले रहे हैं, लेकिन जब आप नहाते हैं तो हम नॉर्मल पानी इस्तेमाल करते हैं, जो कि टैंक का पानी, जब हम नॉर्मल पानी इस्तेमाल करते हैं, जब वो पानी बेकार है, तो हमारी जो सिर की स्काल्प है, बॉडी है, उसको बिल्कुल डैमेज करेगा, क्योंकि जब पानी ख़राब है तो कहीं ना कहीं स्काल्प में जाएगा, यहाँ पे इकट्ठा हो जाएगा, येलो हो जाएगा, यहाँ पे डैंड्रफ होना शुरू हो जाएगा, एयर हेयर फॉल होने शुरू हो जाएगा, क्योंकि पानी बहुत ही बेकार है। दोस्तों आपको पानी को ही हटाना है, यानी जो आप ये पानी यूज कर रहे हैं, इस पानी से आपको हेयर वॉश नहीं करना है, आपको RO के पानी से हेयर वॉश करने है। आपको किस तरह हेयर वॉश करने है, मैं आपको बताने जा रहा हूँ, आगे मैं बताता हूँ किस तरह हेयर फॉल, क्योंकि मैं बिल्कुल इस तरीके को अपना रहा हूँ, एक महीने से ज़्यादा हो गए मैं इस तरीके को अपना रहा हूँ, बिल्कुल हेयर फॉल बहुत कम हो गए, मैं हेयर फॉल से बहुत परेशान था, आप देख रहे हो कितने मेरे यहाँ पे इस तरह हेयर फॉल हो रहे हैं, अभी तो एकदम पूरे तो कंट्रोल नहीं होंगे कि बिल्कुल जम जाएंगे, लेकिन अब बिल्कुल भी हेयर फॉल नहीं। मैंने बहुत सारा शैम्पू इस्तेमाल किया, वो का हेयर ऑयल यूज़ किया, मैंने ओनियन का हेयर ऑयल यूज़ किया, वो का शैम्पू यूज़ किया, बहुत सारे मैंने शैम्पू यूज़ किए हैं। इससे पहले मैंने एक वीडियो बनाई थी, आप उसमें देख सकते हैं, मैंने बहुत सारे शैम्पू हेयर ऑयल यूज़ किए हैं, जिस किसी ने जो भी कुछ बताया मैंने उस तरीके से इस्तेमाल किया, लेकिन मुझे किसी एक फ्रेंड ने मेरे बोला था कि ये शायद अगर आप अपना पानी चेंज करोगे तो हो सकता है, लेकिन मैंने चेंज किया, मैं लगातार RO वाले पानी से ही नहा रहा हूँ, मतलब वैसे तो मैं नॉर्मल पानी से नहाता हूँ, लेकिन जब मैं अपना सिर को वॉश करता हूँ, जो अपने सिर को वॉश करता हूँ, यानी कि जब मैं नहाता हूँ तो अपने जो बालों को वॉश करता हूँ, मैं RO के पानी से वॉश करता हूँ। तो मैं आपको बता देता हूँ किस तरह आपको कितना पानी लेना है, तो वीडियो में कंटिन्यू बने रहिए। तो दोस्तों जैसे आप देख रहे हैं, आप इतना पानी ले सकते हैं, यानी कि हाफ गिलास आप ले सकते हैं। जैसे कि मेरे जो बाल अभी छोटे हुए हैं, क्योंकि पहले मैंने गंजा, अपना सिर गंजा कराया था, तो उसके बाद मेरे बाल अभी छोटे हुए हैं, तो उसमें अब इतना पानी बहुत है, यानी कि RO का पानी लेना है। जैसे कि आप घर पे RO का पानी लेते हैं या बिस्लेरी का पानी लेते हैं, उसमें से आप थोड़ा सा पानी लेना है जब भी आप नहाए। एक चीज़ का आपको ध्यान रखना, जब भी आप नहाए
नॉर्मल पूरी बॉडी तो आप टैंक के पानी से नहा सकते, कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन जब भी आप हेयर को वॉश करें तो वो आर ओ के पानी से वॉश करें, आर ओ का पानी नहीं। अगर आपके घर पे आर ओ लगा है तो फिर तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो फिर आप पूरा भी नहा सकते, पूरी बॉडी को आर ओ से नहा सकते, क्योंकि कोई ना कोई आपको कॉस्ट तो नहीं देनी है। लेकिन अगर आप बाहर से पानी लेते हैं, जैसे 20 रुपये में पानी लेते हैं, थोड़ा सा पानी, इतना पानी आप अपने बालों के लिए निकाले, जैसे जब भी आप नहाएं तो उस टाइम अपना इस पानी से अपने सिर को वॉश करें, तो इतना जो पानी है ये बहुत कम, ऐसा नहीं कि आपको बहुत सारे पानी से नहाना है, आप डेली का आपके 20 रुपये वेस्ट जाएंगे, ऐसा नहीं है कि इतना ही पानी से आपको नहाना है, यानी इतने से पानी को से आपको अपने हेयर को वॉश करना है। अगर आपके जो हेयर है बड़े हैं, मेरे जैसे मेरे अभी छोटे हैं, तो अगर इससे बड़े हैं तो आप थोड़ा और इसकी क्वांटिटी बढ़ा सकते हैं। दोस्तों 100% इसका फ़ायदा होगा, क्योंकि जो आर ओ का पानी बिल्कुल शुद्ध पानी है, इसमें कोई जर्म्स नहीं होता, ये बिल्कुल आपके हेयर फॉल को रोकेगा, मैं गारंटी लेता हूँ, क्योंकि मैं इसका इस्तेमाल कर रहा हूँ और मुझे बिल्कुल फ़ायदा हुआ है। बस जो अभी एक प्रॉब्लम जो मुझे लग रही है वो लग रही है डैंड्रफ, इससे अभी नहीं गया, क्योंकि मैंने जब ये शुरू किया था, मैंने डैंड्रफ के लिए शुरू किया था, क्योंकि मेरे जो हेयर में थे बहुत सारा डैंड्रफ है, ऐसे करते बहुत सारा डैंड्रफ आता है, वो तो इससे नहीं गया, डैंड्रफ तो अभी भी इससे लगातार है, डैंड्रफ प्रॉब्लम इस पानी से सोल्व नहीं हो पाई, हो सकता है आगे जाके सोल्व हो जाए। लेकिन हाँ, बिल्कुल मैं इतना परेशान था जो जब मेरे बाल, जैसे मैं ऐसे करता था जब मैं तेल ऑयल लगाता हूँ, ऐसे करता हूँ, बहुत सारे बाल टूट के आते थे, लेकिन अब कोई भी बाल नहीं टूट, मैं कैसे भी कर लूँ कोई भी बाल आपको टूटा नहीं मिलेगा, बिल्कुल मैं आश्चर्यचकित रह गया हूँ इस टेक्निक के साथ। और क्यों ना हूँ, क्योंकि जो अगर हम अच्छा पानी इस्तेमाल करेंगे अपने बालों के लिए तो हमारे बाल बिल्कुल ही अच्छे रहेंगे, क्योंकि सब पानी का खेल है, आपको पता है। अगर आप अपने घर में रहते हैं तो इतना बाल नहीं टूटेंगे, जैसे आप जॉब के लिए बाहर जाते हो, बड़े बड़े शहरों में जाते हो, दिल्ली मुंबई NCR में जाते हो कहीं भी, तो वहीं से आपके जो बालों का है, बालों का जो हेयर फॉल है वहीं शुरू होता है, यानी आपके बाल टूटने में शुरू होते हैं। जबकि जब आप नॉर्मल जब पढ़ाई कर रहे होते हैं, अपने घर में रहते हो, तब हेयर फॉल बिल्कुल नहीं होते। तो ये सब पानी का ही खेल है दोस्तों, अगर आप सही पानी का इस्तेमाल करोगे, अपने जो अपने हेयर है उनको अच्छे पानी से धोओगे, अच्छे पानी से साफ करोगे, तो बिल्कुल फ़ायदा होगा, 100% गारंटी देता हूँ दोस्तों, फ़ायदा होगा। और दोस्तों इस तरह की वीडियो के चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक कर लेना, क्योंकि इस तरह की इंपॉर्टेंट वीडियो मैं लेके आता हूँ। पहले मैंने इस्तेमाल किया है, जो पानी मैंने खुद इस्तेमाल, उसके बाद ही मैं आपके लिए वीडियो बना रहा हूँ। तो आगे भी इस तरह की वीडियो आपके लिए लेके आने वाला हूँ, मैं बहुत सारी चीज़ों का अनबॉक्सिंग भी करता हूँ। तो दोस्तों इस तरह की चीज़ों के चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक कर लेना। ओके।